और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज बिहार के दरभंगा पहुंच रहे हैं, जहां वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर वहां पर चल रही है। लेकिन राष्ट्रपति भवन ने विश्वविद्यालय के निमंत्रण कार्ड में ऑनरेबल और हिज एक्सीलेंसी शब्दों के प्रयोग न करने की नसीहत दी, जिसके बाद आनंद फानन में इन शब्दों को वहां से हटा दिया गया है। महामहिम नहीं श्रीमान कहिए, नहीं चलेगा अब अंग्रेजी प्रोटोकॉल। राष्ट्रपति ने बदलवाए निमंत्रण पत्र, औपनिवेशिक परंपरा से बनाई दूरी। महामहिम नहीं जनाब श्रीमान कहिए, देश आजाद हो चुका है, अंग्रेजी प्रोटोकॉल को छोड़िए और श्री प्रणब मुखर्जी ही कहिए। जी हाँ, अभी ऐसी कोई नीति तो नहीं बनी है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शायद शुरुआत करने की ठान ली है। 3 अक्टूबर बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक दीक्षांत समारोह है, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को संबोधन करना है। इस समारोह के लिए जो कार्ड छपा है उसमें लिखा था महामहिम और राष्ट्रपति के नाम के साथ थे ऑनरेबल और हिज एक्सीलेंसी जैसे शब्द। बस फिर क्या था, राष्ट्रपति सचिवालय ने विश्वविद्यालय को ऐसे शब्दों के प्रयोग नहीं करने का फरमान भेजा। इंस्ट्रक्शन ये था कि परंपरा के मुताबिक जो हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हिज एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग किया था और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया था, तो इंस्ट्रक्शन में ये था कि प्रेसिडेंट के लिए ही एक्सेलेंसी और ऑनरेबल शब्द को आप डिलीट करते हैं। ये पहला मौका है जब किसी भी राष्ट्रपति के नाम के साथ ऑनरेबल और हिज एक्सेलेंसी शब्द का प्रयोग नहीं करने का निर्देश आया हो, लिहाजा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने आनंद फानन में कार्ड को बदलवा दिया। अब नए कार्ड में लिखा है श्री प्रणब मुखर्जी। इसी दिन राष्ट्रपति दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। अपने इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है। उन्होंने आयोजकों को हिदायत दी है कि निमंत्रण पत्र में उनके लिए हिज एक्सेलेंसी और ऑनरेबल शब्द का इस्तेमाल न किया जाए और न ही मंच पर उनके लिए किसी तरह की कोई विशिष्ट कुर्सी ही रखी जाए। यही नहीं, एक और निवेदन भी किया गया है कि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति और मंच पर बाकी अतिथियों के लिए एक जैसी ही कुर्सी लगेगी। मंच पर राष्ट्रपति के साथ बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कुलपति, उप कुलपति समेत 9 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और अब सबके लिए एक जैसी कुर्सी ही लगेगी। लगता है कि अब नए राष्ट्रपति ने देश के मिजाज के मुताबिक ढलने का फैसला कर लिया है। समय के लिए दरभंगा से दीपक प्रियदर्शी के साथ अजय मोहन प्रसाद। और मिलोट या हिज एक्सीलेंसी, ये वो तमाम शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। उपनिवेशिक व्यवस्था को दर्शाने वाले इन शब्दों का ज्यादा प्रचलन न्यायालय में किया जाता है, जहां आज भी जज को माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक नई पहल की है, उन्होंने औपनिवेशिक संकेत देने वाले शब्दों से खुद को निजात दिलाने की कोशिश की है। हालांकि ये कोशिश पहले भी न्यायपालिका में की जा चुकी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महामहिम और हिज एक्सीलेंसी जैसे शब्दों के इस्तेमाल से बचने और श्रीमान जैसे शब्दों को प्रयोग में लाने की सलाह क्या दी, देश में एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि अंग्रेजों के जमाने से इस्तेमाल में आ रहे शब्दों से क्यों गुलामी की बू आ रही है। These words are, they represent that we are still following the English law and not only English law but that colonial system. हम लोगों ने राजा रजवाड़े सब खत्म कर दिए, जमींदारी खत्म कर दी, लेकिन this is a kind of colonialism to the extent that feudal state is allowed there. ये है दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज RS ढींगरा। अपने जज के पद पर रहने के दौरान इन्होंने आदेश दिया था कि कोर्ट में मुझे कोई मिलॉर्ड ना कहे, इसकी जगह वकील उन्हें सिर्फ सर कह सकते हैं। हाई कोर्ट में रहते हुए मैंने खुद अपने न्यायालय में बहुत लोगों को कहा कि मिलॉर्ड को छोड़िए, आप योर ऑनर बोलिए, न्यायाधीश जज बोलिए, जस्टिस बोलिए, सर बोलिए, सब ठीक है, लेकिन नहीं, वो अपने आप को बदल नहीं पा रहे। हालांकि इससे पहले भी कई वाक्य हुए हैं। मई 2006 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट एक्ट सेक्शन 49 की उपधारा 1 में एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन नंबर 58/2006 के मुताबिक मिलॉर्ड की जगह
योर ऑनर का इस्तेमाल करने का मशवरा देश भर के बार काउंसिल में भेज दिया गया। हम चाहते हैं कि देश की व्यवस्था में वो शब्द यूज किए जाएं जो हमों से, हमारी परंपराओं से, हमारे समाज से जुड़े हुए शब्द। अदालत के भले ही ढेरों उदाहरण मिल जाएं, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में प्रणब दा ने एक लकीर खींचने की कोशिश की और साथ ही जताई कि देश में प्रथम नागरिक को आखिरी नागरिक तक साधारण बनने की ख्वाहिश भी। औपनिवेशिक व्यवस्था का संकेत देने वाले शब्दों को हटाकर भारतीय परंपरा से जुड़े सम्मान सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर न्यायपालिका जोर देने की कोशिश कर रहा है और अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भी इसको समर्थन देने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कॉलोनियल वर्ड्स हमारी व्यवस्था और हमारे समाज से खत्म हो सकेंगे। कैमरामैन गोपाल आर्या के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।